हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पता नहीं मैम साहब क्या कहेंगी, इतने दिनों तक मैंने छुट्टी जो मार ली है वो भी बिना बताए। क्या करती, काम ही कुछ ऐसा था। लोग क्या कहते, सास बीमार है और इसको देखो आई नहीं। पता नहीं मैम साहब का मूड कैसा होगा, मुझे देखकर खुश हो जाना चाहिए। लगता है मैम साहब सो रही है, कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गई। दूध और पेपर, मैम साहब बिना किसी को बताए बाहर चली गई। ठीक है मैं भी जा रही, मैम साहब आएंगे तो मैं भी आ जाऊंगी। तो फूल लग रहा है। खून, खून, नलिनी मैम साहब के घर के बाहर खून। ये यहाँ, ये यहाँ भी, ये दूध की थैली के नीचे भी खून। खून, लेकिन ये खून है किसका? ओह नो, कहीं नलिनी का खून तो नहीं हो गया? My God, चारों तरफ खून ही खून है, फर्श पर खून है, दीवारों पर खून है, सब जगह खून है। लगता है सर कोई खून की होली खेल के गया है यहाँ से। खून तो सब जगह है लेकिन लाश कहाँ है, लाश कहाँ है? देखो जरा, सर। हाँ फ्रेडी। सर बड़ी अजीब बात है सर, इतना सारा खून बहा है लेकिन लाश कहीं नहीं दिख रही है। लाश कहीं भी नहीं? नहीं सर। सचिन यहां से खून उठाओ और फोरेंसिक लैब भेज दो जल्दी। सर, सर घर के खिड़की दरवाजे भी एकदम ठीक ठाक है। घर के दरवाजे ठीक ठाक है, खिड़कियां ठीक ठाक है, पर खून इसी घर में है। काम करो, पड़ोसियों से अच्छी तरह से पूछताछ करो, देखो कुछ पता चलता है क्या। yes, एक और बात सर, घर में कहीं भी कोई हथियार नहीं है जिससे खून किया जा सके। हथियार भी नहीं है, लाश भी नहीं है, बस अगर खून हुआ है तो इसी घर में हुआ है। मगर किसका? इस घर में नलिनी रहती है पर वो दो तीन दिन से दिखी नहीं। इस घर में कोई मर्द वगैरह नहीं रहता, नलिनी अकेले रहती है। जी हाँ, वो अकेले रह रही थी। अच्छा तो कभी आपने किसी टेढ़े मेढ़े आदमी को आते जाते देखा है यहाँ पर? फ्रेडी, बिल्डिंग के वॉचमैन को बुला, शायद उसने किसी को देखा हो। यस सर। मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है सर, और ये उसमें से बाल भी मिला है जो खून से सना हुआ था सर। खून से सना हुआ बाल? इसे अच्छी तरह से रखो और सारंगे के पास भेज दो। हैं सर। देखिए मैडम, हम लोग वर्किंग क्लास लोग हैं, दिन भर घर पे नहीं बैठे रहते। और हाँ, हम ये कैसे बता सकते हैं कि यहाँ कौन आता है कौन जाता है? अच्छा ठीक है, तो आप लोगों को जो कुछ पता है इस घर के बारे में और नलिनी के बारे में प्लीज बताइए। इतना सारा खून? हाँ खून, इस घर में खून हुआ है, कुछ मालूम है तुम्हें? सर नलिनी मैडम को पता लगेगा तो उन्हें बहुत धक्का लगेगा। नलिनी? ये नलिनी कौन है, कहाँ है? इस घर की मालकिन साहब, परसों ही पूना गई है। इस घर की मालकिन नलिनी पूना गई है? तुमने देखा उसे पूना जाते हुए? हाँ साहब। कमाल है, इस घर की मालकिन नलिनी पूना गई है, तो फिर ये खून है किसका? इस घर में कोई आया था नलिनी के पूना जाने के बाद? नहीं साहब, कोई नहीं आया था साहब। सच कह रहे हो? हाँ सर। ठीक है, जाके बाहर खड़े रहो। सर, इस घर की मालकिन नलिनी, उसका नंबर मिल गया। लगाओ जल्दी, देखो कहाँ पर है। क्या हुआ? सर फोन नहीं लग रहा। फिर से ट्राई करो। नहीं लग रहा है सर। नहीं लग रहा है तो फिर ये नलिनी गई तो गई कहाँ? सर एक बात पूछूं,
कहीं ऐसा तो नहीं कि नलिनी पूना से चुपके से वापस आ गई होगी और आते ही उसका खून हो गया? फ्रेडी, वॉचमैन कहता है कि नलिनी पूना गई है। इस घर में हमें ना कोई हथियार मिला है ना कोई लाश, तो फिर ये खून है किसका? किसका खून हुआ है? इस घर में से नलिनी का फोटो उठाओ। सचिन, नलिनी को फोन करते रहना। यस सर। अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही, घर के अंदर खून है और पड़ोसियों को पता तक नहीं चला। हाँ सर, खून तो काफी सारा हुआ है, तो चीखने चिल्लाने की आवाज तो आनी ही चाहिए। वही तो, या फिर ये भी तो हो सकता है कि खून होते वक्त लड़की बेहोश होगी और खूनी ने शायद उसे नशे की दवा खिलाई हो। क्यों? मगर सर, खूनी लाश को बाहर कैसे ले जा सकता है? एक तो खून करते वक्त ही डर लगा रहता है, उसके ऊपर से लाश को बाहर ले जाना। वही तो, खूनी लाश को बाहर ले गया, मगर कैसे? कैसे सर? इस वॉचमैन ने भी दिमाग हिला दिया है। उसने बताया कि उसने नलिनी को बाहर जाते हुए देखा है, पूना गई है वो। ये और एक बात, वॉचमैन ने नलिनी को जाते हुए देखा पूना, तो फिर अगर खून हुआ है तो हुआ किसका? मैं बताऊं सर, क्या हुआ होगा? वो क्या है ना अभिजीत, कहते हैं कि जब कोई बात समझ में ना आ रही हो तो किसी बुजुर्ग की या होशियार आदमी की बात सुननी चाहिए। हाँ तो फ्रेंड, बताओ। सॉरी, नहीं बोलता। बस बस बताओ, बात को पेट में दबा के मत रखो, पेट में दर्द होने लगेगा, बताओ। देखिए सर, ऐसा है, नलिनी जब पूना जा रही थी तो उसके घर में एक चोर घुसा। नलिनी अचानक वापस आ गई, चोर ने उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन नलिनी ने उसे मार दिया। वो डर गई, उसने लाश के टुकड़े टुकड़े किए और एक बैग में भर के ले गई। पूना लाश को बैग में भर के पूना ले गई। फ्रेडी, इतनी भारी बैग नलिनी कैसे ले जा सकती है पूना? हाँ? नहीं 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 नहीं, ये सर, हाँ। सर, नली के फोन की घंटी बज रही है सर, देखो। हेलो सर, कोई लड़की बात करो, देखो कौन है। कौन कौन बोल रहा है? नलिनी। नलिनी सर। नलिनी, हाँ, मैं एसीपी प्रतिमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। देखो, तुम्हारे घर में एक खून हुआ है। या तुम इस वक्त कहाँ? पुणे में। ठीक है, जल्दी से जल्दी हमारे ब्यूरो पहुंच जाओ। ओके सर, अगर नलिनी जिंदा है तो फिर खून हुआ किसका और किसने किया? मैं ठीक कह रहा हूँ सर, नलिनी ने ही उस चोर को मारा है। रेडी, अगर नलिनी ने इस चोर को मारा है तो डर गई होती, लेकिन उसकी बातों से तो नहीं लग रहा कि वो डरी हुई है, ना उसे कोई अफसोस है। नहीं। हेलो, ये सीबी प्रतिमन है। कहां पर? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। आप लोग सीआईडी? आपने फोन किया था? हाँ साहब, मैंने ही फोन किया था, मैं यहाँ का नौकर हूँ सर। जब मैंने आज घर सफाई के लिए खोला तो साहब ये देखा। सारा खून दीवार पे गिरा है। सर, नलिनी के घर में भी एकदम ऐसे ही फैला हुआ था खून। ऐसा हुआ होगा जब खूनी ने मारा होगा तो वो आदमी शायद पेट के बल या पीठ के बल दीवार पे गिरा होगा, फिर लुढ़कता हुआ यहाँ नीचे गिर गया होगा, उसकी वजह से ये ऐसे निशान बने हैं। खून बहुत ज्यादा है। देखो, अंदर हथियार या लाश मिलती है क्या? तुमने यहाँ से किसी को बाहर भागते हुए देखा था? नहीं साहब, हमने यहाँ से किसी को आते जाते नहीं देखा साहब। जब मैं यहाँ पे आया तो बस सर ये खून देखा साहब। सच बोल रहे हो? हाँ साहब, सच बोल रहा हूँ सर। सर, घर में कोई लाश नहीं है सर, और ना ही कोई हथियार। फिर भी इतना सारा खून, किसका खून है? मालूम नहीं साहब। देखो, खून का मामला है,
जो कुछ मालूम है सच सच बता दो। लाश नहीं है तो खून कहां से आया यहाँ पे? साहब जो कुछ मालूम था साहब वो मैंने बता दिया, अब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। विवेक खून का सैंपल ले लो। मालिक कौन है इस घर का? साहब पुलिस साहब, लेकिन वो हर शनिवार और रविवार को यहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं और तभी मैं आता हूँ साहब, इसीलिए आज यहाँ की सफाई के लिए आया था साहब। तो अपने मालिक को फोन करके बताया नहीं इस खून के बारे में? हाँ साहब मैं उन्हें फोन लगा रहा हूँ लेकिन वो सब फोन ही नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहे? अच्छा दरवाजा सही सलामत है, लॉक भी नहीं टूटा है, फिर भी अंदर खून हो गया। सर नलिनी के घर में खून ऐसे ही हुआ था सर, बिना दरवाजा तोड़े बिना ताला तोड़े। तो खून दो जगह पे और दोनों जगह पे दीवार पे खून लगा है, दोनों जगह पे लाशें गायब, पुनीत के घर में और नलिनी के घर में। देखो इन मैडम को देखा? नलिनी नाम है इनका। नलिनी? मैं उसे नहीं पहचानता साहब। जो ठीक है, जरा अपने मालिक का नंबर दो। 10092347878। हेलो मिस्टर पुनी, क्या हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? बेचारा पुनीत खुद अस्पताल में पड़ा है और घर पर खून हो गया है। हो सकता है विवेक ये बेचारा हो ही ना, खून करके हॉस्पिटल में पड़ा हो। जब भी कोई गुनहगार पकड़ा जाने वाला होता है उसके छाती में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ सर, चार चार पांच पांच दिन तक पता नहीं चलता कि छाती में दर्द क्यों हो रहा है। अरे इनकी तो छाती में दर्द नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही मामला है। एक्सक्यूज मी, कहिए। हम लोग सीआईडी से, हमें मिस्टर पुनीत से थोड़ा अकेले में बात करनी है। जी ठीक है। आप लोग सीआईडी हैं? आप ही लोगों ने मुझे फोन किया था कुछ बात करने के लिए? जी हाँ। पुनीत जी आपका फार्म हाउस है ना? जी हाँ है। आपको मालूम है वहाँ आपके फार्म हाउस में क्या हुआ है? जी नहीं। आपके फार्म हाउस पे खून ही खून बिखरा पड़ा है। क्या मेरे फार्म हाउस में खून? अरे आपकी छाती में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? जी नहीं। चलिए फिर ठीक है। अब ये बताइए वो खून किसका है और वो लाश कहाँ है? देखिए पहले तो मुझे यही नहीं पता कि मेरे फार्म हाउस में खून है, मैं ये कैसे बता दूं कि वो खून किसका है? सर मैं अपने फार्म हाउस तक पहुंच ही नहीं पाया था, रास्ते में ही मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। आपके नौकर ने हमें फोन करके बुलाया था, बताया था फार्म हाउस में खून ही खून बिखरा पड़ा है। नौकर ने? लेकिन वहां तो कोई रहता नहीं है और वो घर सिर्फ मैं और मेरा नौकर ही खोलते हैं। सर कहीं नौकर नहीं तो कुछ नहीं? ऐसा लगता तो नहीं है, अगर उसने किया होता तो वहां होता नहीं, कहीं भाग के छिप जाता। आप इस लड़की को पहचानते हैं? नहीं, कौन है ये? इनका नाम नलिनी है। नहीं सर मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। उस खून से इसका कोई ताल्लुक है? हाँ है, जैसा खून हमें आपके फार्म हाउस पे मिला है ठीक वैसा ही खून कुछ घंटों पहले हमें इस नलिनी के घर पे भी मिला है। What? दो दो खून हुए, खून नंबर एक, खून नंबर दो, दोनों खून अलग अलग जगहों पर, एक जुहू में और दूसरा मर्ड आइलैंड, एक नलिनी के घर में और दूसरा पुनीत के घर में। दोनों घरों के बीच की दूरी लगभग 20 से
22 किलोमीटर। दोनों खून एक जैसे ही किए गए हैं, दोनों भी खून कमरों में हुए हैं और लाशें दोनों जगहों से गायब हैं। और सर, दोनों घरों के मालिक जिंदा हैं, दोनों घरों में कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना ही कोई तोड़फोड़ की गई है, ना ही दरवाजा तोड़ा गया। एक बात और है सर, खून के वक्त दोनों ही घर के मालिक घर में नहीं थे। सर, ये नलिनी है, इसी ने खून किया सर। देखिए सर, एक तो मैं खुद हैरान हूँ, मेरे घर में खून कैसे हो गया और आप लोग मुझे पे इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, आप हमें ये बताइए कि आप किसी पुनीत नाम के आदमी को जानती हैं? ये पुनीत कौन है? मैं किसी पुनीत को नहीं जानती। वाकई में आप किसी पुनीत को नहीं जानती? जी नहीं। कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं आप? क्योंकि अगर वैसा है तो बहुत मुसीबत में फंस जाएंगी आप। सच बताइए। मैं सच कह रही हूँ सर, मेरा विश्वास कीजिए। पुना किस लिए गई थी आप? सर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा एक क्लाइंट है, उनकी कंपनी का कुछ काम था पुणे में। आप चाहें तो उस कंपनी में फोन करके पूछ सकते हैं और उस होटल में भी पूछ सकते हैं जहाँ मैं ठहरी थी। सच बोल रही हैं? जी हाँ, आप पूछ लीजिए होटल से। सर, झूठ बोल रही है ये, इससे पहले खून किया फिर पुणे भाग गई, ये खूनी है सर। नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया। आसान के क्या? ओह, डॉक्टर सोनाली, ये हो कैसे सकता है? डॉक्टर सालूम के कॉलेज में भी आपकी आंख ऐसी फटी की फटी रहती थी। कम ऑन यार, वो तो तुम्हें देखकर यू नो। छोड़िए छोड़िए डॉक्टर सालूम के, प्लीज नाउ। तब भी तुम यही कहते थे ना, अरे भाई ये कैसे हो सकता है, अरे ये कैसे हो गया भाई? सालूम के सर शायद प्यार व्यार के बारे में बात कर रहे होंगे कि ये हो ही कैसे सकता है। तारिका, फॉरेंसिक लैब में प्यार लफ्ज का इस्तेमाल कैसे हुआ? क्या बात है सालून के साथ? एसीपी साहब कह रहे थे कि आप कोई चौंका देने वाली खबर सुनाने वाले हैं। हाँ, सुनाने वाला हूँ ना, और खबर ऐसी है बॉस कि सुनते ही तुम लोगों के कान खड़े हो जाएंगे सबके। डॉक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खून देख के ही पता लगा लिया कि खून किन किन लोगों का हुआ है? किन किन लोगों का नहीं, खून सिर्फ एक आदमी का हुआ है। चौंक गए ना, झटका लगा ना? अरे बॉस, अभी तो कुछ बताया ही नहीं है। देखो भाई, वो जो खून मिला है ना तुम्हें नलिनी और पुनीत के घर में, वो दोनों खून का सैंपल एक ही औरत का है। औरत का मतलब मरने वाली कोई औरत है? हाँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही औरत दो दो जगह पे कैसे मर सकती है? ऐसा ही हुआ है, खून सिर्फ एक ही औरत का है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों घर एक दूसरे से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। एक जगह पे मरने के बाद वो दूसरी जगह पे जाके कैसे मर सकती है? रेडी, डीएनए रिपोर्ट यही बता रही है। सर, ये जो खून हमें मिला है अलग अलग जगहों से, वो खून है तो एक ही औरत का, मगर दोनों खून में थोड़ा सा फर्क है। फर्क? फर्क है, आओ देख लो खुद ही क्या फर्क है। शो तारीख। फर्क तो है, लेकिन कैसे? जो खून हमें पुनीत के घर में से मिला है उसमें केमिकल मिला हुआ है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की तरह, जबकि जो खून नलिनी के घर में से मिला है उसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब कचरा? राइट, एग्जैक्टली। मगर खून में कचरा कैसे हो सकता है? पुनी ने खून करने के बाद लाश को कचरे की पेटी में डाल दिया होगा, शायद इसीलिए हमें उस खून में केमिकल मिला। और वो जो बाल हमें मिला है? हाँ, वो बाल, डॉक्टर तारिका, उस बाल के बारे में आपको क्या पता चला? जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे आइए। ये बाल उसी औरत का है जिसका ये खून है। उसी का है? हाँ, उसी का है। और एक और बाल जिससे शायद आप लोगों की कोई मदद हो सके। वो क्या? इस लड़की के बाल में भी एक केमिकल मिला है, अमोनिया, जो इस लड़की के बाल में उसकी मौत से पहले था। और आप तो जानते हैं, ये केमिकल बालों के ट्रीटमेंट में काम आता है। हो सकता है लड़की अपने बालों का ट्रीटमेंट कराने गई या बालों को कर्ल कराने के लिए गई। मतलब वो औरत अपने बालों का
ट्रीटमेंट करवा रही थी। जी हाँ। ओह, इसका मतलब वो औरत अपने बालों को घुंघराले करवाने के लिए किसी सैलून में गई हो। सर, एक लड़की दो दो बार कैसे मर सकती है सर, वो भी अलग अलग घर में। पहले वो एक जगह पे मरी, उसके बाद वो दूसरी जगह पे गई, वहां पे फिर से मर गई। फ्रेडी, खून दो दो जगहों में नहीं हुआ है, खून एक ही जगह में हुआ है और वहां से खून दो दो जगहों में फैलाया गया। चौंका देने वाली बात है सर, खूनी एक जगह पे खून करता है फिर वहां से खून इकट्ठा करके दूसरी जगह फेंक देता है, फैला देता है दीवारों पे। सर, हो सकता है कि खूनी इन दोनों से बदला लेना चाहता, इन्हें फंसाना चाहता, या ये भी हो सकता है कि उनकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। सर, डॉक्टर सालुंके ने एक काम की बात की है, ये खून एक ही है सर, मगर दोनों जगह के खून में थोड़ा थोड़ा फर्क है। पुनीत के घर पे जो खून मिला है उसमें कुछ केमिकल मिला है सर, जबकि नलिनी के घर पे जो खून है उसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। मगर सर, जब एक ही औरत का खून हुआ है तो दोनों खून में फर्क क्यों है? अरे, एक ही लड़की है, दो दो जगह उसका खून हुआ, दोनों जगह पे खून अलग अलग, एक लड़की खून अलग अलग, ऊपर से जो बाल मिला है उसमें अमोनिया। मेरा तो दिमाग चकरा जा रहा है सर। सर, डॉक्टर साउंड के भी तो कह रहे थे कि शायद मरने से पहले ये औरत सलून गई थी बालों को कर्ली करने के लिए, और किसी वजह से वो ट्रीटमेंट पूरी नहीं कर पाई थी। अभिजीत, शहर में जितने भी ब्यूटी सलून हैं, सब में जाकर के पूछताछ करो, देखो, पूछो उनसे, क्या ऐसी कोई लड़की आई थी कि अपने बालों का ट्रीटमेंट लेने के लिए, जिसने ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ दी और चली गई। और एक बात, इस नलिनी के घर दोबारा जाकर के देखना पड़ेगा, एक ही खून दो दो बार हुआ कैसे? एक लड़की और दो दो खून, इस पूरी जगह को अच्छी तरह से छान मारते, एक भी कोना एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। देखते हैं कि कचरे का डब्बा है कहां। कचरे का डब्बा दिख नहीं रहा है। डॉक्टर सालुन के तो कह रहे थे कि लाश कचरे के डब्बे में ही होगी। सर, बर्तन धोने के सिंक के नीचे ये अलमारी जैसी जगह है जो खुलती है। क्या भयानक बदबू है, जान मार दी। गार्बेज छूट, यहाँ से कचरा नीचे फेंका जाता है। मतलब बैग में कचरा डाल के यहाँ से फेंक देंगे तो सीधा नीचे जाके गिरेगा? हाँ, यानी कि सारी बिल्डिंग का कचरा यहीं से वहां नीचे फेंका जाता है और वहां से कचरे की गाड़ी आकर उसे ले जाती। इसीलिए तो लोगों को घर जा जाकर कचरा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, ये देखिए, खून लगा हुआ है यहाँ। खून? इसका मतलब लाश यहां से बाहर फेंकी गई, इसीलिए तो लाश को किसी ने बाहर ले जाते हुए नहीं देखा। लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बैग में डालकर यहां से फेंका गया होगा, क्योंकि पूरी की पूरी लाश तो यहां से जा नहीं सकती। नीचे जाकर उन लोगों से पूछते हैं जो यहां से बिल्डिंग का कचरा उठाते हैं। सुनो, यहां पे तुमने ऐसा कोई बैग देखा जिसपे खून लगा हो? खून नहीं साहब, मैंने कोई खून की थैली नहीं देखी साहब। देखो, बिना सोचे समझे बात मत करो, हमें नलिनी के घर से खून मिला है, जहां से कचरा फेंका जाता है वहां से, समझे? इसलिए हमें शक है कि खूनी ने लाश के टुकड़े टुकड़े करके यहां पर फेंके हैं। हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं साहब? इसीलिए तो हम लोग यहां इंक्वायरी कर रहे हैं। बोलो, क्या देखा तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा साहब, मैंने कुछ देखा तो आपको बता दिया होता साहब। सच बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं देखा तुमने? कुछ नहीं साहब, मैंने सच बोल रहा हूँ साहब। वॉचमैन, इधर आओ। तुम कुछ बता सकते हो जिससे हमें केस में मदद मिले? तुम तो बिल्डिंग में हर जगह घूमते रहते हो, कुछ तो देखा होगा तुमने। नहीं साहब, मुझे भी कुछ नहीं मालूम, जो कुछ मालूम था वो पहले बता चुका हूँ साहब। खून से एक बात तो पक्की है कि लाश यहीं से फेंकी गई है। तो ताशा, कचरा उठाने वाले ने कैसे नहीं देखा लाश को? ये भी तो हो सकता है कि खूनी ने लाश के टुकड़े ऊपर से नीचे फेंके हों,
और उसके बाद जल्दी से नीचे आया और लाश के टुकड़े उठा के चला गया। एक काम करते हैं, इसे पूरी तरह से छान मारते हैं, देखते हैं कहीं खून का निशान मिल जाए। ये देखो, ये खून यहां पे भी है। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। हाँ, तुम दोनों के यहां होते हुए भी खूनी यहां से लाश लेकर निकल गया और तुम लोगों को पता तक नहीं चला। सर, ये एक ही सलोन है इस एरिया में जो नलिनी के घर के एकदम पास में है। यस सर। देखते हैं यहां पे क्या पता चलता है। एक्सक्यूज मी सर, ये लेडीज सलोन है, आदमियों के लिए जगह नहीं है यहाँ पर। मालूम है आपको, मालूम है, आप फिर भी अंदर चले आए। देखिए, हम लोग सीआईडी से, हमें आपसे कुछ पूछना है। सीआईडी? क्या हुआ सर? आपके यहाँ कोई औरत आई थी जिसने अपने बाल घुंघराले करवाए थे 2 दिन पहले। सर, यहाँ पे तो रोज ही बहुत सारी औरतें आती हैं। नहीं, हम ऐसी औरत के बारे में बात कर रहे हैं जो बाल घुंघराले ही बनाने आई थी और बीच में उठ के चली गई। बीच में? हाँ सर, याद आया, एक औरत आई थी 2 दिन पहले, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था लेकिन वो अचानक से बीच में उठी और चली गई। क्यों, क्यों चली गई, कुछ बताया था उसने? सर, ये तो नहीं पता। एक्चुअली उसका फोन पर किसी के साथ झगड़ा हो रहा था। झगड़ा हो रहा था, किसके साथ? ये नहीं पता सर। अच्छा, झगड़े के दौरान उसने किसी का नाम वगैरह लिया था क्या? आई एम सॉरी सर, मैंने ये भी नहीं सुना। अच्छा, ये तो याद है कि बात क्या कर रही थी। हाँ सर, वो फोन पर किसी को धमकी दे रही थी लेकिन फिर अचानक से बीच में उठी और चली गई, और वो भी बिना पैसे दिए। उसका कुछ नाम वगैरह है आपके पास, कुछ एड्रेस वगैरह रखती है? हाँ सर, मैं भी बताती हूँ, मेरे पास सारे डिटेल्स हैं। जी हाँ, शनिवार को शाम 4 बजे। क्या नाम क्या है इसका? मल्लिका, मल्लिका था उसका नाम। मल्लिका, कुछ एड्रेस फोन नंबर वगैरह लिखा आपने? लैंडलाइन नंबर है उसका। एक बात तो पक्की है कि खून नलिनी के घर में हुआ है। दीवारों पर जो खून के निशान है उसे देखकर लगता है कि जब खून हो रहा था तब खूनी और मल्लिका के बीच में कोई हाथापाई हुई थी। अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी उसने। हाँ सर। सर ये देखिए, पुनीत के घर के इन दीवारों पर लगे इस खून को देख के सर ऐसा लगता है किसी ने जानबूझकर इसे फेंका है। और ये सर, ये लाश के खींचने का निशान, ये देखिए सर, इसको देख के लगता है कि किसी ने जानबूझकर बनाया है। सर, मल्लिका का खून नलिनी के घर पे ही हुआ है, बाद में लाश के टुकड़े किए गए, थैले में डाले गए और थैले को कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया ताकि अड़ोसी पड़ोसी को पता ना चले। और सर, कचरे में से लाश को निकाल के पुनीत के घर भेजे। मगर सर, पुनीत के घर पर भी तो कोई लाश नहीं मिली। वही तो फिर अगर लाश को ले गए तो कहां ले गए? अगर पुनीत के घर में लाश को छुपाना था तो छुपाया क्यों नहीं, और कहीं दूसरी जगह क्यों लेकर गए? सर, खूनी के दिमाग में क्या चल रहा है हम लोग पकड़ नहीं पा रहे सर। उसने खून नलिनी के घर पे किया और लाश को कहीं और फेंका और खून पुनीत के घर पे लगाया। हाँ, कहां पे? फर्नीचर शोरूम। ओके विवेक। हाँ विवेक, कह रहा था मल्लिका ने जिस फोन से ब्यूटी सलून में अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन किया था वो फोन किसी फर्नीचर शोरूम का है। सर, आपका सोफा एकदम टाइम पे पहुंच जाएगा। अरे मैंने बोल दिया ना सर, एकदम टाइम पे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, सुनिए। हाँ, यहाँ के मालिक कहाँ है? मैडम तो नहीं है, उनके हस्बैंड है, बुलाओ उन्हें। हाँ बोलो। का माहौल देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि किसी को मल्लिका की फिक्र है। लगता तो ऐसे ही, शायद उनको पता ही नहीं कि उसकी मौत हो चुकी है। शायद पति को भी नहीं मालूम, पता नहीं बेचारे पे क्या बीतेगी। जी कहिए। मिस्टर पुनीत, पुनीत नाम है मेरा। पुनीत?
तुम वही पुनीत हो ना जिसका मर्डर आइलैंड में फार्म हाउस है, जिसके घर से हमें खून मिला था। आप लोग भी सीआईडी से ही हैं? जी हाँ। पता चला आप लोगों को कि मेरे फार्म हाउस पर किसका खून हुआ था? आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि किसका खून हुआ था? मुझे कैसे पता होगा? पता होना चाहिए था पुनीत जी, क्योंकि जिसका वहां पे खून हुआ वो आपकी पत्नी मलिका थी। क्या मलिका का खून हो गया? और खून तुम्हें ने किया है? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? ये झूठ है। मैं क्यों मारूंगा अपनी पत्नी को? मिस्टर पुनीत, पत्नी का खून हुआ तो पति के अलावा और किसे पता होगा कि खून क्यों हुआ है? ये लोग देखिए, एक सेकंड, मलिका का खून कैसे हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो ऑस्ट्रेलिया में है। वो दो दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया गई थी। वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बल्कि फ्लाइट पकड़ने से पहले उसका खून हो गया। क्यों मारा मलिका को? मैंने नहीं मारा है मलिका को। तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैडम, मुझे नहीं पता। मुझे कितनी बार मैंने कहा कि मलिका जाने के बाद मुझे एक कम से कम फोन कर दिया करो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अरे मैं तो ये सोचकर बैठा था कि मेरी पत्नी ऑस्ट्रेलिया में है। बस, अब रोना धोना बंद करो। मरने से पहले उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ फोन पे, अगर वो तुम नहीं थे तो कौन था वो? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुम ऐसे नहीं बताओगे? मलिका का फोन नंबर दो हमें। खबर पक्की है ना? ओके ओके ओके, थैंक्स थैंक्स। मल्लिका के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसने आखिरी फोन किसी अनुज नाम के आदमी को किया था। इसका मतलब उसका झगड़ा अनुज से ही हुआ होगा। कोई एड्रेस वेड्रेस मिला? हाँ, एड्रेस मिला है। तो एक काम करते हैं, अनुज से जाके पूछते हैं, वहीं से पता लगेगा कुछ। यस। एक्सक्यूज मी? यस। हमें मिस्टर अनुज से मिलना था, वो काम करते हैं ना यहाँ पर। क्या काम था आपको? काम तो हम उसी को बताएंगे। काम के बीच में आप किसी से मिल नहीं सकते, तो आपको लंच ब्रेक में ही आना पड़ेगा। देखिए, हम लंच ब्रेक में नहीं आएंगे, अभी मिलेंगे उनसे। जाके कहिए कि सीआईडी से कुछ ऑफिसर्स आए। सीआईडी? जी हाँ। सोनल, जरा इस महीने की सेल्स रिपोर्ट निकाल देना। अनुज सर आपसे ही मिलने के लिए आए हैं। ओह, मिस्टर अनुज। सीआईडी? यहाँ सर, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मुझे नलिनी के खून के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। सर आप नलिनी के खून के बारे में नहीं जानते, लेकिन आप मल्लिका के बारे में जानते होंगे। मल्लिका? हाँ सर, मालूम है। That's really fantastic, हाँ? कि मल्लिका को जानते हैं, तब तो आप ये भी जानते होंगे कि मल्लिका का खून हो गया। What? मल्लिका का खून हो गया? मल्लिका का खून हो गया है, और वो भी आपकी नाक के नीचे, आपके पड़ोस में नलिनी के घर पे। तुमने किया है? सर मैंने मलिका का खून नहीं किया सर। मरने से पहले मलिका का झगड़ा हुआ था ना फोन पे तुम्हारे साथ? हाँ सर हुआ था, लेकिन मैंने मलिका को नहीं मारा सर। तो किसने मारा उसे? मुझे नहीं मालूम सर किसने मारा। क्या झगड़ा हुआ था तुम्हारा उसके साथ? मैं मलिका को कॉलेज के दिनों से ही जानता था सर। नलिनी ने मुझे उससे इंट्रोड्यूस करा था, वो मुझसे शादी करना चाहती थी। क्या? लेकिन वो तो शादीशुदा थी ना? हाँ सर, लेकिन फिर भी मुझसे शादी करना चाहती थी वो। तो तुमने क्या कहा? मैंने उसे मना कर दिया सर, और जवाब जानने के लिए उसने मुझे फोन किया था, और धमकाने लगी थी मुझे फोन पर। क्या धमकी दे रही थी वो तुम्हें? ये कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूँगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, और वो मेरे घर भी आने वाली थी सर। मगर वो तुम्हारे घर नहीं आई, और जाके मरी नलिनी के घर। ये नलिनी मलिका को जानती थी अच्छे से, लेकिन फिर भी हमें बताया। वो तो ये भी जानती थी कि पुनीत मलिका का पति, फिर भी चुप रहे। कोई तो कारण होगा जिसके कारण उसने बताया नहीं हमें, लेकिन क्या कारण है अब पता चल जाएगा। वॉचमैन तो कह रहा था कि वो घर पे ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आने की खबर उसे मिल गई होगी और वो भागी यहाँ से। सर ऐसा होता तो वॉचमैन तो उसे देख लेता ना। हाँ ये बात तो है, शायद डर के बैठी होगी।
चलिए काम करते, दरवाजा तोड़ दो। ये तो मर गई है। इसका मतलब खूनी जानता था कि हम यहाँ आने वाले। कमरे की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ हाथापाई हुई होगी यहाँ पे। लाश तो अभी भी गर्म है, मतलब इसे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है मरे हुए। इसका मतलब खूनी आसपास ही होगा। फ्रेडी थोड़ा सा चेक करो। चाबियों का गुच्छा मिला है सर, और किचन पे एम लिखा हुआ है। एम? हाँ। एम मतलब मलिका। सर अंदर भी कोई नहीं है। फ्रेडी लाश को फॉरेंसिक भेजो और साथ में ये चाकू भी। अब तो ये चाबी है जो इस केस का ताला खोल सके। क्या हुआ? कुछ पता चला आप लोगों को कि मेरी पत्नी का खून किसने किया? हम आपके पत्नी के खूनी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर पुनीत, मगर क्या करें, इसी बीच में एक और खून हो गया। एक खून और हो गया? किसका? आपकी पत्नी की दोस्त नलिनी का। नलिनी को तो आप पहचानते नहीं होंगे। आपको उसकी फोटो दिखाई थी हमने। मैं नहीं जानता किसी नलिनी को। हमें लाश के पास से चाबियों का गुच्छा मिला है। ये किचन पे एम लिखा है। इस गुच्छे को तो जानते होंगे ना आप। इन चाबियों को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इस चाबी पे एम लिखा हुआ है। एम? हाँ, तो फिर एम का मतलब मलिका। हाय, ये भी कोई बात हुई? सिर्फ एम लिखा हुआ है तो क्या इसका मतलब ये चाबी का गुच्छा मलिका का है? सर पानी। अरे सर, ये चाबियों का गुच्छा आपको कहां से मिला? ये तो मलिका मैडम का है। सुना पुनीत जी आपने, अब तो आपको एम का मतलब समझ में आ गया होगा। मलिका? ऐसे तो गुच्छे थे, एक मल्लिका मैडम के पास था, दूसरा पुनीत सर के पास, है ना सर? हाँ, तुम जाओ यहाँ से। रुको, रुको। कहाँ कहाँ की चाबी आई है? मैडम, घर की चाबी है इसमें, और फार्म हाउस की है, और गैरेज की भी है। गैरेज? किसका गैरेज है? मल्लिका मैडम का गैरेज है वो। वो गैरेज दिखाओ, शायद वहां से कुछ पता चले। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ पे कुछ नहीं है। आप लोग खामोखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा हम लोग हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं या नहीं, समझे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, देखिए ना। अजीब सी बदबू है यहाँ। वो तो वो ढेर सारा कूड़ा और फालतू का सामान पड़ा, इसलिए बदबू आ रही है। ताशा, बदबू यहीं कहीं से आ रही है। आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों। चुप! इस डिक्की से आ रही है बदबू। डिक्की से? हाँ, बदबू तो डिक्की से ही आ रही। अरे ताशा, तुम्हारे पास हेयर पिन है? हाँ।
ये तो लाश के टुकड़े हैं। को काट के गैरेज में छुपा के रखा है और कह रहा है कि गैरेज में कुछ नहीं है। मैंने नहीं मारा है मलिका को, मैंने नहीं मारा है, मैंने नहीं मारा, नहीं मारा मलिका को, नहीं। तुम्हारे गैरेज में तुम्हारी बीवी की लाश है और कहते हो तुमने नहीं मारा, तो किसने मारा उसे और ये लाश कहां से आई? लाश तो मैंने ही छुपा के रखी है सर, लेकिन लेकिन मैंने मारा नहीं है मलिका को, मैंने नहीं मारा है उसको सर। तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं पता, पर मैंने नहीं मारा है, मेरा यकीन कीजिए। देखिए, हर बार छुट्टियां मनाने में अपने फार्म हाउस जाया करता था, तो जाने से पहले मैं अपने नौकर को खबर कर दिया करता था। इस बार बिना उसे खबर किए मैं फार्म हाउस चला गया। तो फिर जैसे ही मैं फार्म हाउस घर में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि दीवार पे चारों तरफ खून ही खून है और मनिका की लाश एक प्लास्टिक की गोली में लिपटी वहां कोने में पड़ी थी। तो फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैं डर गया मैम, सर मैं डर गया, मुझे लगा कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मलिका और मेरे बीच अक्सर अनबन हुआ करती थी। अच्छा, तो इसीलिए अपनी बीवी की लाश को यहाँ पे छुपा दिया तूने? हाँ सर, मुझे लगा कि मलिका के घर से सेफ ज्यादा और कोई जगह नहीं है, क्योंकि मलिका तो ऑस्ट्रेलिया में थी, उसकी गाड़ी और उसका गैराज कोई यूज नहीं करेगा, तो मैंने लाश को यहाँ लाकर छुपा दिया। फिर क्या हुआ? लाश यहाँ छुपाने के बाद मैं खून साफ करने फार्म हाउस जा रहा था कि रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अब तुम्हें अरेस्ट किया जाता है मिस्टर पुनीत। बड़ा अजीब केस है, इस औरत का झगड़ा कहीं और हुआ और ये कहीं और जाके मरी। सर बात यहीं पे खत्म नहीं होती, खूनी मारने के बाद लाश को उसके पति के घर लेके गया। ऐसा कभी होता है सर, वाइफ को मारने के बाद लाश को छुपाने के बजाय पति के घर ले जाए? और तो और सर, वो बेचारी नलिनी, उसे जरूर कुछ मालूम होगा मल्लिका के खून के बारे में, तभी तो उसका भी खून कर दिया। खूनी बहुत चालाक है फ्रेडी, खून करने के बाद लाश को 10 जगह घुमा दिया ताकि किसी को पता ही ना चले कि आखिर इसका खून हुआ कहां पे। अभिजीत, ये जो लाश के टुकड़े तुम लोग लेकर के आए हो, ये हैं तो इसके मल्लिका, लेकिन इन टुकड़ों को देखने के बाद लगता है कि खूनी बाएं हाथ से काम करता होगा। मतलब खूनी लेफ्टी है? हाँ, खबू है, क्योंकि टुकड़ों को देखने से लगता है कि लाश को काटने का जो तरीका है वो बाएं से दाएं तरफ का है। और सर, ये नलिनी का खूनी भी लेफ्ट हैंडेड ही है, इसका मतलब वो भी अपने बाएं हाथ से ही ज्यादा काम करता होगा। तो मल्लिका का खूनी और नलिनी का खूनी दोनों एक ही है? शायद, हो सकता। ये कोई अड़ोस पड़ोस वाला होगा सर, जिसे नलिनी के घर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी, जो घर में आता जाता हो, जिसे ये भी मालूम हो कि नलिनी कब क्या करती है, कब आती है, कब जाती है, और जिसे ये भी मालूम था कि नलिनी के घर में कचरा कहां से बाहर फेंका जाता है। एक बात बोलूं? बोलो। मेरे दिमाग में आइडिया आया है खूनी को पकड़ने का। अरे तो शुभ काम में देरी कैसे, बोलो, पकड़ लेते हैं खूनी को। मैं मदद कर दूं क्या? करा ना प्लीज। का ये तरीका बिल्कुल गलत है, आप लोगों को कोई हक नहीं बनता किसी को ऐसे परेशान करने का। लेकिन हमारी क्या गलती है, हमें यहाँ क्यों लेके आए हैं मुजरिमों की तरह? हम लोग नलिनी के पड़ोसी हैं, तो क्या इसमें हमने कोई गुनाह किया है क्या? चुपचाप खड़े रहो, हमें मालूम है किसने क्या किया है। तो फिर जिसने किया है उसे पकड़ के लाइए आप, हमें यहाँ क्यों लेके आए हैं? खूनी कौन है बताने के लिए? कौन है खूनी? खूनी नजर आ जाएगा,
थोड़ी देर में। यानी खूनी यहाँ पर नहीं है, कहीं बाहर से आने वाला है क्या? नहीं, यही हम लोगों के बीच में। लेकिन खूनी आप लोगों में से तो कोई नहीं हो सकता, तो क्या खूनी हम लोगों में से कोई है? हम में से कोई कैसे हो सकता, हम लोग तो पड़ोसी है। अभी पता चल जाए। ये बताइए, कल रात आपने से किसी के साथ कोई अजीब सी घटना हो? एनीथिंग स्ट्रेंज कल रात बिल्डिंग में, सड़क पे? क्या हमारे साथ? जी हाँ, आप लोगों के साथ। लेकिन आप लोगों को कैसे मालूम? हमें सब कुछ पता होता है रीमा जी, सब कुछ। इसका मतलब वो सब आप लोगों ने किया था? क्या करना पड़ता है खूनी को पकड़ने के लिए, न जाने क्या क्या करना पड़ता है हम लोगों को। देखना चाहते हैं आप लोग कि खूनी कौन है? खूनी ये है खूनी। मां, आप? रीमा आंटी? जी हाँ, आपकी रीमा आंटी। रीमा जी, जैसे हमें पता चला कि खूनी बाएं हाथ से काम करता है, लेफ्ट हैंडेड है कब्बू, तभी हमने ये ड्रामा किया। और खूनी का पता चल गया। हाँ हाँ, मैंने ही खून किया है। अभी ये भी बता दो कि खून क्यों किया? अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए। क्या मतलब? मल्लिका अनुज और नलिनी के साथ कॉलेज में पढ़ती थी, और अनुज और मल्लिका एक दूसरे से प्यार करते थे। अनुज ने एक बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी जब मल्लिका ने उसे छोड़ दिया था। फिर ना जाने वो कहां से आ गई उसकी जिंदगी में दखल देने के लिए। वो कैसे? मल्लिका ने अनुज को प्रिया को छोड़ देने के लिए कहा था, और वो भी पुनीत को तलाक देकर अनुज से शादी करने वाली थी। और उसने अनुज को धमकी दी थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, और वो ऐसा कर सकती थी। उसे मारा कैसे तुमने? मैंने उसे नलिनी के घर बुलाया। मुझे पता था कि नलिनी घर पर नहीं है, और नलिनी चाबी कहां रखती है ये भी मुझे पता था। और नलिनी के घर बुलाकर मार दिया उसे। और नलिनी उसे क्यों मारा? क्योंकि नलिनी जान गई थी कि मैंने ही मल्लिका का कत्ल किया है, और वो तुम लोगों को सब कुछ बताने वाली थी, और मल्लिका के चाबी का गुच्छा भी उसके पास रख दिया। इतनी सी बात के लिए रीमा जी तुमने दो दो जाने ली? जिस उम्र में ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए उस उम्र में आप जेल की हवा खाओ, फांसी का ऑर्डर आने तक। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.